आइए, बहुत मेहरबानी की यहाँ आकर। यार तीन दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आज तक किसी के लिए इंतजार नहीं किया, मगर बेवकूफों की तरह चार चार घंटे यहाँ आकर खड़ा रहता हूँ। यार किसी को फोन कर सकती थी, ज्योति को बोल सकती थी। मुन्ना, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्या 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 कहा तुमने? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फैसला किया। फैसला? ये हम दोनों की जिंदगी का फैसला है, और ये तुमने अकेले कैसे कर लिया? ये मत भूलो कि ये मेरी जिंदगी का भी फैसला है, जिसको करने का मुझे पूरा हक है। तू समझती क्या अपने आप को? मजाक लगा रखा है, एक झापड़ रख कर दूंगा ना, ये सारा हकबक बाहर निकलेगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है मुन्ना, मैं जा रही हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे, और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। तूने समझ क्या रखा मुझे? तू मेरी जिंदगी से चली जाएगी और मैं तुझे देखता रहूंगा। अमीरजादे, अगर मैं तेरे लिए मर सकता हूँ तो तुझे मार भी सकता हूँ, मगर मैं किसी कीमत पर तुझे अपने से अलग होने नहीं दूंगा। यही रूप देखना चाहते थे। मैं देखना चाहती थी कि तुमसे अलग होने का जितना खौफ मुझ में है, उतना तुम में भी है कि नहीं। मैं देखना चाहती थी कि जिस आग में मैं जल रही हूं, उस आग में तुम भी शामिल हो कि नहीं। मैं ये देखना चाहती थी कि हमारी रोज रोज की मुलाकातों ने कहीं इस आग को ठंडा तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। किसने मारा तुम्हें मोहिनी? किसने? पिताजी ने तुमसे मिलने की सजा दी, इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी मुन्ना। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। वो नरक जिसे मैं अपना घर समझती थी, वो सब कुछ जिसे मैं अपना समझती थी, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। इन बदन के कपड़ों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो कमा लेता हूँ कि हम तीनों का काम चल सकता है, और जब काम चलेगा तो जिंदगी भी चल जाएगी।